राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय अनदर वीडियो। और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। आज सोमवार था और आज हमारा फास्ट था, तो बस अभी फास्ट को हम लोगों ने मतलब ओवर किया है, खाना खाया है। अभी पूरा दिन अच्छा रहा स्कूल के अंदर। भाई चलने में तकलीफ़ तो अभी है ही, तो अभी तो चल ही रहा है। और दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आई फ्लू हो ही गया है, और जो बड़ी वाली बेटी है उसको आज बहुत हाई फीवर है, तो डर है कहीं उसे भी ना हो जाए। तो मगर फिर भी डॉक्टर के पास तो ले गए थे, उन्होंने लिख दिया है। अभी तो ऐसे उसके अंदर सिम्टम मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि उसको आई फ्लू हो, बट बुखार बहुत तेज है। तो अभी वो नीचे वाले रूम में आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, खाना वो खा चुकी है। आज खाना मेरे भाई के यहाँ से आया था, क्योंकि मैं तो खड़े होके इतना बना नहीं सकती, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, तो खाना आज भाई के यहाँ से आया था। आज इस वीडियो में मैं आपको मतलब एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, तो स्कूल में ऐसी बच्चों के साथ जर्नली बात कर रही थी, और बात करते करते तो एक बच्चे ने बताया कि मैम हमने मतलब मैंने उनसे बस ऐसे लिटरली एक क्वेश्चन पूछा कि इस दुनिया में सुखी आदमी कौन है। बस एक बस कॉमन सा क्वेश्चन है, वो मेरा आप लोगों से भी है। वैसे तो मैं अभी बताने वाली हूँ कि मुझे आंसर क्या मिला, फिर भी अगर इसके अलावा और कोई आंसर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। इस संसार में, इस यूनिवर्स में सुखी कौन है, कौन है सुखी? तो उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने उसको आंसर दिया था, और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी सीखने को मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर किया जाए। क्योंकि मेरी दादी दादा तो मैंने देखे नहीं थे, बहुत छोटी थी जब वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी दादी ने आंसर दिया कि इस संसार में वो इंसान सुखी है जो अस्पताल ना जाता हो, ठीक है, और जिसको चारों टाइम का मतलब दोनों ब्रेकफास्ट आप समझ लीजिए, मॉर्निंग का, इवनिंग का, और दोनों टाइम का खाना दोपहर का और रात का वो मिलता हो, जिसके सर पे छत हो, जो बारिश तूफान आंधी धूप से बचता हो, जिसकी संतान मतलब जिसके बच्चे उसका कहना मानते हो, और अच्छे बच्चे हो, अपने मतलब मम्मी पापा का फ्यूचर में वो ध्यान रख सकते हो। और एक बात और उन्होंने वो बताई थी कि अपने शरीर से जो इंसान खुश है, जो स्वस्थ है, वो भी बहुत खुश है। और एक चीज़ और जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि जिसके ऊपर कर्जा नहीं होता ना, वो इंसान भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको देने की चिंता नहीं होती। उसे थोड़ा समय मिलता है ना, वो अपना पूरा संसार संभाल सकता है, अपने बच्चे पढ़ा सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे बड़े स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के कुछ बन सकते हैं। मैं खुद एक सरकारी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने एक सरकारी स्कूल से मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था, उसके बाद अच्छी परसेंटेज आई तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया रेगुलर कॉलेज में, और वहाँ जाकर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट करी। तो ऐसा नहीं है, और उस टाइम तो देखो ट्यूशंस का भी इतना नहीं होता था, मैं घर में ही सेल्फ स्टडी करती थी, और कभी कभार मैं अपने पापा से पढ़ लिया करती थी, क्योंकि उस टाइम जो मैं पढ़ा करती थी तब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, तो इतना हमें इंग्लिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो पापा ने हेल्प कर दिया करते थे। और पता है अगर मेरे पापा हेल्प नहीं कर पाते थे ना, तो मेरे नेबर्स जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़े होते थे, हमसे बड़े थे, हम भैया और दीदी बोला करते थे, उनके पास जाके पढ़ा करती थी। देखिए किसी बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं, मगर वो कर दिया करते थे। आज आप किसी बच्चे से हेल्प लो तो उसे खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो स्कूल में जाके पढ़ता ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। मेरी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उनका आंसर देते हैं। उससे क्या होता है ना, बच्चों का जो चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। तो आज मुझे वीडियो में बस आपके साथ ये शेयर करना था कि इस दुनिया में वो ही सुखी है जिनके पास इतने ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें हों। तो इसके अलावा अगर कोई और आंसर हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस संसार में सुखी कौन है, किसके पास सुख है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, राधे राधे।